शुक्रवार को अन्नदाताओं की सरकार के साथ नवे दौर की बातचीत हुई, लेकिन इस बार भी बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। 15 जनवरी को फिर से सरकार और अन्नदाताओं के बीच बात होनी है, लेकिन उससे पहले 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसके मुद्दे नजर अन्नदाताओं की आगे की क्या रणनीति है। आइए नजर डालते इस रिपोर्ट की ओर। नए कृषि कानून के खिलाफ अन्नदाता 45 दिन से दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं, लेकिन सरकार के साथ बातचीत का कोई नतीजा अभी तक नहीं निकला। शुक्रवार को सरकार और अन्नदाता के बीच नवे दौर की बातचीत हुई, जो सिर्फ 3 घंटे में ही खत्म हो गई। सरकार अब अन्नदाता से ही प्रस्ताव मांग रही है, लेकिन इस शर्त में कि प्रस्ताव में कृषि कानून समाप्त करने की कोई बात नहीं होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब इस मामले का फैसला सुप्रीम कोर्ट करे तो ही अच्छा है, लेकिन अन्नदाता साफ कर चुके हैं कि उनकी मांग सरकार से है, सुप्रीम कोर्ट से नहीं। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां 11 जनवरी को सुनवाई होगी। इसे लेकर अन्नदाताओं ने 10 जनवरी को कुंडी बॉर्डर पर बैठक बुलाई, जिसमें कोर्ट की सुनवाई को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। लेकिन अन्नदाताओं को भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट उनकी परेशानी समझेगा और अन्नदाताओं के हक में ही फैसला देगा। अन्नदाताओं की नजरें कोर्ट की सुनवाई पर तो है ही, साथ ही 15 जनवरी को सरकार के साथ होने वाली बैठक पर भी है। लेकिन सरकार के साथ बार बार हो रही बैठक में कृषि कानून पर कोई हल न निकलने को लेकर अन्नदाताओं का गुस्सा सरकार के प्रति भी बढ़ता जा रहा है। देश खाप के चौधरी सुरेंद्र सिंह ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानेंगे तो वह गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में 1 लाख ट्रैक्टर को लेकर दाखिल होंगे और परेड करेंगे। उन्होंने सरकार और प्रशासनिक अधिकारों को सचेत करते हुए कहा कि वह इस आंदोलन को हल्के में ना ले। इस बीच कांग्रेस ने भी अन्नदाता के हक में प्रदर्शन का ऐलान किया है। 15 जनवरी 12 बजे अन्नदाताओं की सरकार के साथ दिल्ली के विज्ञापन भवन में बैठक होगी, तो उस समय कांग्रेस देश भर में राजभवनों का घेराव करेगी। खबर के लिए कामिनी की रिपोर्ट।